हेलो फ्रेंड्स, मैं दुबई से आप लोगों के पास फिर से लौट आई हूँ। मैं एक हफ्ता हुआ है मैं आई हुई हूँ, ठीक है, पर आकर वहाँ से आकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब मेरी अपनी बेटी और अपने ग्रैंड डॉटर की बहुत याद आ रही है और ऐसा लग रहा है कि वो लोग हमारे संग संग में हैं। वहाँ से जब स्काइप में बात करती है ना, तो ऐसा लग रहा है कि हम उसके संग में हैं, क्योंकि सब देख के आए हैं ना। तो वो जब रसोई में काम करती है तब भी ऐसा लगता है कि हम लोग संग में हैं, ठीक है। वो और जब वो क्या कहते हैं, और मेरा ग्रैंड डॉटर आके बीच बीच में हम लोगों को हमसे बात करती है और कहती है आई मिस यू दीदा, और उसको भी बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो मेरे बड़ी वाली ग्रैंड डॉटर के साथ खूब खेलती थी और हमेशा उसके साथ ही रहती थी, पर अब वो बिल्कुल अकेली हो गई है। और मेरी बेटी भी कह रही है बहुत बुरा लग रहा है, घर बिल्कुल सुना हो गया है। मेरा भी बिल्कुल मन नहीं लगा दो दिन, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि बताए कहाँ से कहाँ आ गए ऐसे लग रहा था। और खैर, नीचे पार्क है हमारे, तो ये वो बच्चे बच्चे खेलते रहते हैं, उनकी उनकी मम्मी मम्मी भी सब वहाँ पर बैठी रहती है, तो ये देख के बहुत मुश्किल से मैंने अपने मन को वो किया, बुलाया, और मैंने कहा कि नहीं अब तो बुलाना ही है, क्योंकि जब रहना है तो सब कुछ एडजस्ट करना है। पर क्या बताएं, वहाँ जाके हमें इतना अच्छा लगा कि कुछ कहने की बात नहीं। वहाँ के एक तो वहाँ के एटमोसफियर, एक वहाँ का क्लीनलीनेस, एक हेल्पर, लोग इतने हेल्पर हैं वहाँ पर और इतने अच्छे आदत के हैं सब, ठीक है। उनके बिहेवियर जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम जब तक थे तब तक मैंने यही देखा कि मेरी बेटी हमेशा कहती थी कि मम्मी यहाँ पर सब लोग इतने हेल्पर हैं कि मैं अपनी बेटी को लेकर जाती थी प्रेम में लेके जाती थी, तो मैं नहीं गई थी तो मेरे ये मैं हैबिचुअल नहीं थी उस समय, ठीक है। फिर भी लोग मतलब आगे हेल्प कर देते थे, क्रॉस करवा देते थे, ये कर देते, तो मैं समझती नहीं थी बस इस बात को। मैं सोचती थी कि हाँ थोड़ा बहुत हेल्प करवा देते होंगे, पर जब मैंने जाके वहां देखा ना, इतना हेल्पर है वहां के लोग, जैसे मैं क्रॉस कर रही हूँ तो सब गाड़ी रुक जाएंगे, ठीक है, सब गाड़ी एकदम रुक जाते हैं। जब सीनियर सिटीजन लोग इतना उन लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं वहां पर सीनियर सिटीजन को, कि मैं तो देख के हैरान रह गई। और मैंने कहा वाकई में बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब देख के। और रास्ते में देखो, कहीं भी जाओ इतनी सफाई है, और इतनी सफाई और इतनी क्या बताऊं, एक तो अरेबियंस वहां पर बहुत हैं, हर तरह के लोग ही हैं, सभी लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, और अरेबियंस लोग जो हैं वो लोग तो बहुत ही हेल्पर हैं, और बात बात में आ जाते हैं कि क्या हुआ बताइए, हेल्प तो नहीं चाहिए, ऐसे करके आ जाती हैं। ये देख के तो मुझे बहुत बिल्कुल ही सरप्राइज हो गई। और वहाँ के मॉल्स आपने तो देखा ही है वीडियो में सब कुछ, वहाँ पर हमारी बेटी ने, हमारे दामाद ने हमको बहुत घुमाया, ठीक है, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया वहाँ पर। और क्या कहते हैं, एंजॉय इतना किया थक गए, घूमते घूमते इतना थक गए कि यहाँ पर पूरा ये थकावट जो है ना यहाँ पर आके निकल रही है। और वहां पर जो है हर जगह इतने डिस्टेंस में इतना बड़ा बड़ा मॉल, चाहे कहीं भी जाओ क्या कहते हैं वहां पर सब लिखा हुआ है, हम जहां जहां भी गए हैं, ओल्ड दुबई और सब जगह हम लोगों ने इतना एंजॉय किया। और वहां ना पिकनिक का बड़ा चलन है, वहां पिकनिक हर जगह देखो पिकनिक ही हो रहा है, तो वहां हम लोग गए तो हम लोगों ने भी दो जगह पिकनिक किया, ठीक है। एक जगह तो हम लोगों ने बारबेक्यू किया वहां पर, वो तो मैं आप लोगों को खाली दिखा सकी, और मेरी बेटी यूट्यूब में देखिएगा, उसमें देखिए पूरा बारबेक्यू का वो है, ठीक है, वीडियो है उसमें। और आप हर जगह, और बारबेक्यू का ना सब पूरा
मतलब कहते ओवन रखने का जगह, ये सब पूरा सेटल है एकदम। और वहां पर जहां भी देख लो वहां पर ये पिकनिक हो रहा है, पिकनिक कर रहे हैं लोग, और इतना अच्छा लगता, इतना चहल पहल, पूरा शहर में इतना चहल पहल है। और उन्होंने, मेरी बेटी ने मुझे कहा कि यहाँ के डबल डबल डेकर बस जो होता है उसमें भी उसने चढ़ाया, और ट्रम में भी हमने सवारी की, ठीक है, ट्रम की सवारी की, और स्टीमर में भी, बड़े जहाज में भी चढ़े, और नौका राइड किया, ठीक है, सब जगह मतलब। और मुझे ना समुद्र इतना अच्छा लगता है, सी बीच, कि मैंने कहा मुझे सी बीच में ले चलो, क्योंकि हमारे नॉर्थ में तो सी बीच बहुत कम है ना, है ही नहीं। तो हमने सी बीच का पूरा आनंद उठाया, पूरा एंजॉय किया सी बीच को, और इतना अच्छा लगा वहां। और जब हम ओल्ड दुबई में गए, वहां पर तो जो समुद्र के जो पक्षी है ना, वो आप लोग देखिएगा उसमें दिया हुआ है, समुद्र के जो पक्षी है और सुंदर एक साथ उड़ रहे हैं, और जैसे हम लोग जो दाना वगैरह कुछ भी दे रहे हैं ना, वो हाथ से ले लेकर ऊपर जा रहे हैं, हाथ से लेकर खाकर ऊपर ऊपर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं ऐसे करके, इतना सुंदर सीन। और फिर वहां पर हम लोगों ने चाय वगैरह पिया और थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लिया पहले, ठीक है। इसके बाद हम लोग ओल्ड दुबई के क्या कहते हैं सी बीच में हम लोग बैठे, तब तक हमारा दामाद भी आ चुका था रात के 9:30 ऐसे, और वहां तो सारा सारी रात चलती रहती वहां रास्ते, ठीक है। और मेरा, मेरी बेटी का जो घर है ना, वो बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है, मेन रोड के ऊपर है, और आप देखिएगा मैंने वीडियो में दे रखा है उसका घर का, घर भी दे रखा है, और घर के जो आसपास जो है वहां का भी दे रखा है सब कुछ। और बिल्कुल तो वहां ना आपको बेलकोनी में खड़े खड़े आपको इतना अच्छा लगेगा, इतनी गाड़ी जा रही है, बसेस जा रहे हैं, कार्स जा रही हैं, कार के सारे, और वहां पर बैठे हम लोग जब घर में रहते थे, जब 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 हम घर में थे तब तब हम वहीं पर कुर्सी लेके बैठ जाते थे, वहां एक चेयर रहता था वहीं पर हम लोग, हम बैठ के देखते थे, और इनके पापा भी। और तुम्हारे अंकल जी तो 10 दिन रहे, 10 दिन रह के फिर ऑफिस के लिए उनको जाना पड़ा है, और 10 दिन वो अकेले रहे यहाँ पर। और मेरे ड्राइवर का लड़का जो था उसने भी, हमारे ड्राइवर ने काफी हेल्प किया, और ड्राइवर का लड़का भी था वहां पर, और क्या कहते हैं, तो हम लोग को ज्यादा चिंता नहीं थी कि चलो कोई तो है, और वैसे तो चिंता तो होती है जब अकेले रख के जाओ तो। और सेकेंड बार ये सेकेंड चांस, सेकेंड टेंशन ये था कि क्या कहते हैं, एक तो मैं हार्ट के पेशेंट हूँ, ठीक है, और अचानक यदि कुछ हो गया, अचानक कुछ हो गया, कोरोना माने 19 कोविड बढ़ गया या कोरोना बढ़ गया, तो मैं तो उतने ही 2-3 महीने की मैं मेडिसिन लेके गई थी, और यदि कुछ हो गया तो फिर क्या होगा ये, क्योंकि वहां के डॉक्टर अलग है, यहाँ के डॉक्टर अलग है, हैं, वहां तो मुझे पूरे फिर से वो करवाना पड़ेगा। उसने मेरा मेडिकल इंश्योरेंस कर रखा था हम लोगों का सबका, फिर भी बिल्कुल मैं नए सिरे से सब करना पड़ा, वही मेरी सबसे बहुत बड़ा टेंशन था, और तुम्हारे अंकल जी के लिए हमारा बड़ा टेंशन था, और नहीं तो बड़े मजे में थे वहां पर, खूब एंजॉय कर रहे थे सब कुछ। मैंने कहा कि बस अच्छी तरह आए हैं, खूब एंजॉय किया है, खुशी खुशी चले जाए, जिससे अपने घर को भी देख सकें, अपने हस्बैंड को भी देख सकें, और अपना भी सही सलामत पहुंच जाए। और कल उसकी, मेरी बेटी का फोन आया कि जैसे ही मम्मी तुम लोग गई, उसके 2-3 दिन बाद ही कोरोना बढ़ गया वहां, और लोगों का जो भी जा रहे थे अपने घर, उन लोगों का जाना बंद हो गया, हाँ, वो जा नहीं पाए मतलब। तो ये सुन के मैंने कहा गॉड ने मुझे हेल्प किया है इतना, हाँ, और जिससे कि हम लोग एकदम सेफ आए हैं, सेफ गए और सेफ आए हैं, और ठीक टाइम पर आ गए, जिससे कि हमको मतलब कोई मतलब रुकना उकना नहीं पड़ा, नहीं तो मुझे मेरे मेडिसिन के लिए मुझे बहुत मुश्किल हो जाती। और चलो सब अच्छा अच्छा हो गया, और बस स्काइप में बातचीत होती रहती है अभी भी, और उसके घर के सामने पार्क था ना, वहां पर भी हम लोग खूब जाते थे रात को, वहां पर भी हम लोगों ने पिकनिक किया, बस इस तरह से चला। और फिर कभी मौका होगा, कभी चांस होगा तो फिर जाएंगे
वो कहने लगे, दामाद कहने लगे नहीं कैसे नहीं होगा। मैंने कहा कि बस यही है पहला चांस था ये। मेरे दामाद कहने लगे कैसे नहीं है, यदि आपके लक में हुआ आप फिर से आएंगे यहाँ पर। तो मैंने कहा हाँ ये वक्त तो है, ये बस यही हुआ। और खैर बहुत अच्छा गया सब कुछ। अब तुम लोग बताओ तुम लोग कैसे हो, तुम लोग का नया साल कैसे गया है, और आप लोग खूब अच्छे रहिए, सेफ रहिए और खुशी रहिए, खुश रहिए, ठीक है। और बहुत सावधान सावधान रहिए, क्योंकि अभी भी कोरोना कभी कभी बढ़ जाता है। ये मत सोचिए कि कोरोना खत्म हो गया है, ठीक है। और आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, बताइएगा कमेंट में सब बताइएगा। आप लोग तो कमेंट देते ही नहीं हो। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत करते हैं इस एज में भी आप लोगों के लिए, आप लोगों को खुश रखने के लिए। हम आपकी पुरानी बाबली मसी हैं, ठीक है। अब एक साल होने को जा रहा है, मेरा भी हुआ नहीं है। एक जगह मैंने कह दिया था, वो मुझे याद नहीं है कि मेरा एक साल हो गया, वो मुझे याद नहीं था, क्योंकि ना मैं यहाँ पर आई हुई हूँ तब एक साल हुआ है, तो वही मेरे दिमाग में था। तो अभी एक साल हुआ नहीं है, मार्च में मैंने शुरू किया था इसको, मार्च में ही पूरा होगा एक साल। खैर व्यूज तो बहुत अच्छे आ रहे हैं और आ रहे हैं। और प्लीज आप अपनी बबली मौसी को, जब तक हम हैं, आप अपनी बबली मौसी को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। आप अपने जान पहचान वालों से, रिश्तेदारों से भी शेयर कीजिएगा प्लीज। और ये है कि जैसे भी हो हम आपके पास अच्छे अच्छे, जहाँ जहाँ जाएंगे, चाहे घर में रहें चाहे बाहर रहें, जहाँ भी जाएंगे अच्छे अच्छे वीडियोस देंगे। थैंक यू। अब रखते हैं, दूसरे वीडियो में आएंगे।